ये देखिए किसान भाइयों, आज अपने खेत में मूंग की हार्वेस्टिंग हो रही है कंबाइन के द्वारा, और वैरायटी है स्टार एग्री सीड की स्टार 448। दोस्तों मूंग की इससे बढ़िया वैरायटी शायद ही कोई होगी। अब की बार बरसात कैसी हुई है वो जग जाहिर है, सब जानते हैं, आपसे कोई छुपा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके इस वैरायटी ने बरानी क्षेत्र में भी 4 क्विंटल प्रति बीघा तक का उत्पादन रिकॉर्ड करवाया है। दोस्तों इस मूंग की बिजाई हुई 30 जून को। जुलाई महीने में हालांकि 2 छिटपुट बारिश देखने को मिली, उसके बाद पूरा 1.5 महीना बारिश की बाट देखते निकल गया, लेकिन फिर भी यूँ कह सकते हैं कि इस वैरायटी ने हमारी शान रख ली। यानी इतनी कम बारिश के बावजूद बरानी क्षेत्र में अगर कोई वैरायटी 4 क्विंटल तक प्रति बीघा तक का उत्पादन देती है तो इससे ऊपर तो मेरे ख्याल से राम का नाम ही होगा। दोस्तों ये तो आपने हार्वेस्टिंग का वीडियो देखा, आइए अब मैं आपको करीब 20 से 25 दिन पहले की रिपोर्ट दिखाता हूँ। खेत में खड़ी फसल को देखकर दिल खुश हो जाएगा। पूरे खेत में आपको कहीं भी सिंगल पौधा भी ऐसा नजर नहीं आएगा जिसमें येलो मोजेक वायरस यानी पीली पत्ती रोग नजर आए। दोस्तों अगर मैं इस मूंग की विशेषताओं की बात करूं कि कैसे ये मूंग अन्य किस्मों से अलग है, तो इसके अंदर फलियां गुच्छों में पाई जाती है। अगर आपकी जमीन और पानी अच्छे हैं तो एक गुच्छे में करीब 9 से 15 तक फली देखने को मिल जाएगी, और एक फली के अंदर करीब 10 से 12 दाने आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी खास बात जो मुझे इसमें लगी कि आपके जो दानों का साइज है वो लगभग एक जैसा रहता है, और पिचका हुआ दाना नहीं मिलेगा, यानी जिससे आपको मंडियों में भाव भी अच्छा मिलता है, क्योंकि इस मूंग की शाइनिंग या चमक अलग ही रहती है। अगर आप ठीक से मेहनत करें, प्रकृति साथ दे, कोई विशेष रोग या कीट ना आए, तो आप इस वैरायटी का प्रोडक्शन 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक ले सकते हैं। इस मूंग में फ्लोरिंग और फ्रूटिंग बिल्कुल सही टाइम पे होती है, जिससे अगर कम बरसात भी हो तो ये मूंग खाली नहीं जाएगा। इसको आप खरीफ और जायद दोनों ऋतुओं में लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने भी स्टार 448 मूंग की किस्म लगा रखी थी तो उत्पादन कितना निकला कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।